हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्यपत्रिका 22 के बारे में। सामाजिक विज्ञान की है, कक्षा 6 की है। आज की तिथि क्या है? 22/9/2021। यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है। और इस कार्यपत्रिका को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप सभी को बता दूँ, लास्ट वीक के विनर का अनाउंसमेंट क्या है हो चुका है, उससे गिफ्ट भी पार्सल किया जा चुका है। और इस वीक के जो विनर का अनाउंसमेंट है वो संडे को होगा। और इसके पहले जिन बच्चों को गिफ्ट मिला, अगर आप देखना चाहते हो कि उन्हें क्या गिफ्ट मिला है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर उनका लिंक लगा हुआ है वीडियोस का, अनबॉक्सिंग का, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ मैं बता दूं, कॉन्टेस्ट अभी भी ओपन है पार्टिसिपेट करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फुल वीडियो को वॉच करना भी, ठीक है। आइए देखें इसमें क्या बोला गया है। उपविषय देशांतर, ठीक है। आपका उपविषय यहाँ पर किसके बारे में बात होगी? देशांतर के। चित्र को देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसको देखिए। भारत और कैनेडा क्या एक ही गोलार्ध में है? भारत और कनाडा क्या है? यहाँ पर देखो बेटा, एक ही गोलार्ध में यहाँ पर हैं, ठीक है। मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसमें ही दोनों में भारत और कनाडा पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जाना कि अक्षांश के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने अक्षांशों के बारे में पढ़ा था। अक्षांशों में केवल हमने उत्तर और दक्षिणी अक्षांश को पहचानना क्या है सीख लिया था। तो उत्तर अक्षांश कौन सा होता है बेटा? उत्तर वाला होता है ऊपर का, और दक्षिणी कहाँ का होता है बेटा? दक्षिणी होता है नीचे का। ये चीज़ आपको क्या है? पता है। उनकी सही स्थिति को पता लगाना भी हमने क्या करा? सीख लिया था। हमें पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जुड़ने वाली जो रेखाएं हैं, संदर्भ में रेखाएं जो हैं, पूर्व अक्षांश और पूर्व से पश्चिम अक्षांश, और इनके स्थानों की दूरी कितनी होगी। तो इनके बीच के बारे में हमें क्या करना है? पता लगाना होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। इसमें बोला गया है, इसको समझने के लिए, अब इस चीज़ को जो ऊपर बोला गया उसको समझने के लिए, एक कागज लो और दूरी केवल एक क्षैतिज रेखा और उत्तर ध्रुव रेखा खींचिए। कागज पर एक समान क्षैतिज रेखा और उत्तर ध्रुव रेखा खींचो। ये इस तरीके से कुछ रेखाएँ आपको खींचनी है, ठीक है। और इस तरीके से क्षैतिज रेखा क्या है आपको खींचनी है। और रेखाओं की संख्या, जो ये वाली रेखाएँ हैं आपकी, ठीक है, इनकी संख्या है, इनको संख्याओं में लिखो, यानी 1, 2, 3, 4 लिख दो यहाँ पर। इसके बाद क्षैतिज रेखा को काखा गाघा में लिख दो, काखा गाघा में इनको लिख दो, ठीक है। इसके बाद जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती हैं, वह कुछ छोटे वहाँ पर क्या कर दो? वृत्त कर दो, यानी कि गोल गोल क्या कर दो बेटा? गोले छोटे छोटे यहाँ पर क्या कर दो? खींच दो। और इन गोलों पर क्या लिख दो? आ बा सा धा, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, इन पर लिख दो। नामों से व्यक्त कीजिए, यहाँ पर इन नामों से क्या करना है आपको? ऐसे ही व्यक्त कर देना है। इसके बाद क्या है, मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा पूर्व दिशांतर है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा जो है ये वाली, ये कौन सी है? ये पूर्व की दिशांतर हैं। और क्या है, क्षैतिज रेखा उत्तर की अक्षांश हैं, और जो क्षैतिज हैं ये क्या है? उत्तर की अक्षांश हैं, ठीक है। करते समय आपको यहाँ पर क्या है, वृत्त आ, अब देखो यहाँ पर आ जो दिया गया, इसको अगर हम इसकी जो है इसकी स्थिति को पता करें तो ये कहाँ, ये क्या लिख लेगी? खा। देखो यहाँ खा लिखा है, लिखा खा उत्तर अक्षांश, क्योंकि ये क्या है? उत्तरी अक्षांश है। तथा पा 1 डिग्री, ये किस लाइन पर है? ये देखोगे आप यहाँ पर बच्चों, तो आपको दिखेगा 1 डिग्री पर है, तो आप लिख दोगे 1 डिग्री पूर्व दिशांतर पर स्थित है। तो इसी तरीके से आपको अन्य बताने हैं, जैसे बा के बारे में बताना है, तो बा के लिए क्या लिखोगे आप? लिखोगे बा के लिए घा, ठीक, लिखो घा उत्तरी अक्षांश, घा उत्तरी अक्षांश, ठीक। इसके बाद लिखो बेटा इसमें तथा, इसी के आगे क्या लिखोगे? तथा, ठीक है, 1 डिग्री पूर्वी दिशांतर, 1 डिग्री, ठीक है, पूर्वी, ठीक है, देशांतर, ये इसको क्या करोगे बेटा? आप लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद देखो सा के लिए क्या करोगे? सा के लिए अब आपको लिखना है, सा यहाँ पर है, सा कहाँ पर है? गा, दिख रहा है ना आपको, तो लिखो गा उत्तरी अक्षांश, गा उत्तरी अक्षांश तथा, ठीक है, गा उत्तरी अक्षांश तथा 3 डिग्री पूर्वी दिशांतर, 3 डिग्री पूर्वी दिशांतर,
ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किसकी लोकेशन, ये हो जाएगी इस वाले की। अब दा के लिए अगर लिखोगे किसके लिए, दा के लिए, तो दा के लिए क्या लिखोगे बेटा, दा के लिए देखो यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, डा लिखो, डा ठीक है लिखो, डा उत्तरी अक्षांश, डा उत्तरी अक्षांश तथा, ठीक है दा उत्तरी अक्षांश तथा 3 डिग्री पूर्वी, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। इसे आप पूरा लिख लो बेटा। इसके बाद क्या है देखो, नीचे बोला गया है अगर आपको किसी स्थान की अक्षांश और देशांतर सही जानकारी है तो ग्लोब पर आप उस स्थान की क्या है आसानी से क्या है लोकेशन जान सकते हो, आसानी के उसके बारे में जान सकते हो। तो प्रश्न क्या है, चित्र एक में आ की स्थिति को पता करो। तो चलो देखते हैं जो आपका चित्र एक है इसमें आ की स्थिति, तो आपको देख रहा होगा आ कहाँ पर है, आप बेटा आ यहाँ पर है और यहाँ पर होते हुए ये क्या दिखा रहा है आपको, एक चीज़ दिख रही होगी कि ये क्या है, ये ऊपर की ओर है, ऊपर क्या पड़ता है उत्तरी, ऊपर की ओर 60 नंबर की रेखा पर है, तो लिखो 60 डिग्री उत्तरी, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और क्या है यहाँ पर आपको दिखेगा 45 डिग्री पर क्या है देशांतर तथा 45 डिग्री पूर्वी, ठीक है देशांतर, ठीक है आप लिख दो यहाँ पर देशांतर, ठीक है लिख देना देशांतर। देशांतर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, देखो मैं आपको बता देता हूँ देशांतर की स्पेलिंग, तो यहाँ लिख देना आप 45 डिग्री देशांतर तथा 45 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, देशांतर हो जाएगा। आगे आपकी ये कार्यपत्रिका क्या होती है यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसे लगी बच्चों कमेंट कर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना। धन्यवाद बच्चों।